हुआ है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो पहले हम लोग बना देते हैं ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम। ये मान लीजिए आपका ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। जो बी सी साइड है हमारा बी सी, उसका मिड पॉइंट, यही मान लीजिए आपका मिड पॉइंट है। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, ई। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, ये लेंथ के बराबर है। फिर बोल रहा है कि इफ डी ई एंड ए बी, इफ डी ई, डी ई कौन है, तो डी है ये, ई है ये डी ई एंड ए बी, ए बी किधर है, ये है ए बी, देख रहे हैं ना, ये ए बी देख रहे हैं ना, जा रहा है इधर की तरफ। तो अगर दोनों को प्रोड्यूस किया जाए, मतलब दोनों के लेंथ को बढ़ाया जाए आगे की तरफ, तो वो कहाँ जाके मीट कर रहा है, तो वो मीट कर रहा है एफ पे, मीट एट एफ। प्रूव दैट ए एफ, ए एफ इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए बी, यही ना, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। जरा बताओ आप हमें, क्या हम ये ट्रेंगल को और ये ट्रेंगल को कंग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं? क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है? क्योंकि डी सी और ए बी पैरेलल था कि नहीं था, तो ए बी एफ जो है वो ए बी का ही तो पार्ट है, तो ये अगर कर दिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा, और साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, होगा कि नहीं, पक्का है ना। और साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं, होगा। तीनों एंगल को तीनों एंगल के बराबर तो कर दिए पहली बात। अरे भाई, तीनों एंगल को तीनों एंगल के बराबर कर दिए कि नहीं। अब साथ ही साथ एफ को क्या बोला था कि वो बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है, तो ऊपर का लेंथ और नीचे का लेंथ बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अगर ऊपर का लेंथ नीचे का लेंथ बराबर हो गया तो साइड एंगल साइड लग गया ना, क्योंकि तीनों एंगल बराबर है तो साइड तो बीच में आ ही जाएगा, तो बस हो गया ना, क्यों कोई दिक्कत है। हम कह सकते हैं कि एंगल सी बराबर एंगल बी, एंगल ई बराबर एंगल ई वर्टिकल अपोजिट एंगल, और एंगल सी बराबर एंगल बी जो है वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अब एक साइड हो गया हमारा कौन सा, सी ई साइड इज इक्वल टू बी ई साइड, कैसे, तो ई इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी या बी सी, बी सी, तो इसीलिए भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जब एंगल हम लिखते हैं ना, तो एक ट्रेंगल मान लो हम डी सी ई लिख दिए, तो कंग्रेंट लिखते समय हमको ऑर्डर का ध्यान देना पड़ता है, एंगल एंगल साइड होता है का नहीं, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होता है, पहले ही तुम बताओ ना, होता ही नहीं है। हमने जब तीनों एंगल बराबर किया तो ये एंगल और ये एंगल के बीच में साइड पड़ रहा था कि नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बीच में ये साइड पड़ रहा था, उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बीच में ये साइड पड़ रहा था, तो एंगल साइड एंगल, तो डी सी ई लिख दिए हैं अगर, तो सी एंगल किसके बराबर था, बी के, तो बी बीच में होना चाहिए, ई एंगल ई के बराबर था तो लास्ट में है, तो ये ई होना चाहिए। अब बचा कौन, एफ,
एफ ही बचा ना, बात समझ में आ रहा है? एफ बी ई, तो एफ एफ बी ई किसके बराबर था? डी सी ई, डी सी ई। तो अगर ये ऑर्डरिंग सही लिखे हैं तो क्या ये डी सी का लेंथ बराबर होगा एफ बी के? बोलो बाई सी पी सी टी। अब अगर ये वाला लेंथ जो है इसके बराबर हो गया, आ ये वाला लेंथ इसके बराबर होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, आमने सामने का लेंथ तो बराबर होगा ना, पैरेललोग्राम है तो। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सिंस सिंस ए एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी एफ होगा, ए एफ इज इक्वल टू बी एफ होगा कि नहीं, ए बी प्लस बी एफ, तो ए बी और प्लस बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डी सी लिख सकते हैं। कहाँ से लिख दिए? तो यहाँ से बोल देंगे फ्रॉम वन, फ्रॉम वन। और फिर ए एफ बराबर ए बी प्लस डी सी को भी हम लिखेंगे आप ए बी, ये कहाँ से? तो सिंस ए बी बराबर डी सी, क्योंकि बिकॉज, कोई पूछेगा कैसे, तो क्योंकि क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड बराबर होता है। तो अब जरा बताओ ए बी प्लस ए बी क्या आ जाएगा? तो ए एफ का लेंथ जो है वो टू टाइम्स ऑफ ए बी के बराबर आया कि नहीं आया, यही प्रूफ करना था। इसीलिए हम बोले ना कि नाइन्थ का कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर है ना, नाइन्थ का कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर का एकदम सीक्वेंस से यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, और सीक्वेंस से जब बनाएंगे तो आप उसको देख लेना अगर टेंथ में भी चले गए तो। भैया एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होता है? अच्छा, हम तो नहीं पढ़े हैं, हमको जरा बताइए कहाँ होता है, थोड़ा हम भी देखना चाहते हैं। अच्छा हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, एंगल एंगल साइड होगा, काय होगा पता है, काय होगा पता है, क्योंकि तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा ना। नहीं समझे? तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा ना, अगर दो ट्रायंगल हो हमारे पास, दो ट्रायंगल हो हमारे पास और एक एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, तो ये तो मजबूर हो जाएगा ना बराबर होने के लिए। बोलो, मतलब होता है, गलती हो गया, सॉरी, बहुत बड़ा वाला याद, एक्चुअली हमको इस पे आ गया था, साइड साइड एंगल पे, ये याद आ गया था, साइड साइड एंगल नहीं होता है, साइड 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 एंगल कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है, इसमें केवल वही होता है आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो राइट एंगल में एक एंगल आ जाता है और हाइपोटेनस भी साइड होता है और साइड भी साइड होता है। तो अगर साइड साइड एंगल होता है तो वो तभी होता है केवल जब एंगल 90 डिग्री का हो, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हो तभी ऐसा संभव है। तो क्या ये तुम समझ गए कि कोई दिक्कत है? चलो, तो अब जो है जो क्वेश्चन में डाउट है पूछो, नहीं तो कहो हम आगे पढ़ाएं। एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है 13.5 का, क्वेश्चन नंबर 9, बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं, जरा देखते हैं उसको भी।